इससे पूर्व कभी हमने आपको ऐसा उद्विग्न नहीं देखा। आपकी धर्मपत्नी होने के नाते आपकी चिंता से चिंतित होकर इसे दूर करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। देवी बुद्धि, आज तुम्हारी बुद्धि पर हमें आश्चर्य हो रहा है। बुद्धि की देवी होते हुए भी क्या तुम इतना नहीं समझती कि हम बड़े से बड़े शूरवीर को ध्वस्त करने में समर्थ हैं? तो फिर इस छोटी सी चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी सहायता क्यों लेंगे? तो फिर इस चिंता को आप स्वयं ही दूर करें स्वामी। सत्य तो ये है देवी कि तुम जिसे चिंता समझ रही हो वह चिंता है ही नहीं। तो फिर आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मैं तो यह सोच कर उद्विग्न हो रहा हूँ कि कहीं हमसे किसी का अनर्थ न हो जाए। पिता शिव और माता पार्वती ने हमें मंगल मूर्ति का पद प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो ये हम नहीं चाहते। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश महाराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है देवर्षि। आपने स्वयं देखा कि हम कैलाश गए थे। किंतु देवऋषि, जब से हम कैलाश से लौटे हैं, मंगल मूर्ति न जाने क्यों उद्विग्न है। बार बार पूछने पर भी इस विषय में कुछ नहीं बताते। गणेश जी की उद्विग्नता के विषय में सुनकर ही तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना देवऋषि कि हम उद्विग्न है? नहीं गणेश जी, उस दिव्य फल में आपको उद्विग्न देख कर कुमार कार्तिकेय ने मुझे बताया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के द्वारा वो दिव्य फल आपको न देकर कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दिया है। अब तक तो वो फल लेकर श्री शैल पर्वत पहुंच भी गए होंगे। अर्थात माता पिता ने मुझे उस दिव्य फल के योग्य नहीं समझा? नारायण नारायण। आप अपनी ही योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं गणेश महाराज? माता पिता क्या अपने पुत्र को कभी अयोग्य समझते हैं? इसमें आपके माता पिता का तनिक भी दोष नहीं है। वो दिव्य फल कुमार कार्तिकेय को प्रदान करने का परामर्श मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल उनके परामर्श का पालन किया है। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप दोनों पिता पुत्र ने मेरे माता पिता को पक्षपात करने के लिए प्रेरित किया है। आप दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आप दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने मुझे अग्र पूजा का अधिकार दिया है तथा विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर की उपाधि प्रदान की है। मैं इसी समय ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में अवरोध उपस्थित कर दूंगा एवं विश्व भ्रमण की आपकी शक्ति भी हरण कर लूंगा। गणेश के क्रोध का परिणाम जो हम पर अकारण प्रकट हो रहा है, हमें शीघ्र ही उनके क्रोध को शांत करने का उपाय करना होगा। देवी, क्या है वो उपाय? गणेश के क्रोध को केवल शिव शंकर ही शांत कर सकते हैं। शांत हो जाइए गणेश जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, क्रोध को त्याग दे स्वामी। आप सर्वप्रथम स्थिति की सत्यता को जान लें। हाँ स्वामी, संभव है वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। स्थिति पर पुनः विचार करें स्वामी। आप तो विघ्नहर्ता है, विघ्न उत्पन्न करने में आपकी शोभा नहीं है श्री गणेश। यदि आप शांत नहीं हुए तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाएगा।
हमारा क्रोध ब्रह्मदेव या ब्रह्मलोक पर नहीं है और ना ही उनकी सृष्टि पर। तो फिर आपका क्रोध किस पर है श्री गणेश? निर्माण कार्य पर। सृष्टि का निर्माण कार्य रुक गया है और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से अदृश्य हो चुके हैं। किंतु आप मेरा विश्व भ्रमण ना रोके, अन्यथा मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे। श्री गणेश, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। आपके क्रोध के इस कारण में मैं कहीं भी नहीं हूँ श्री गणेश। हाँ स्वामी, देवऋषि सर्वथा निर्दोष हैं। ये भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचाएंगे? देवऋषि भविष्य में सावधान रहे। मैं तो सदा सावधान ही रहता हूँ। मेरे जितना सावधान तो संपूर्ण जगत में अन्य कोई है ही नहीं। मेरा नाम नारद न होकर सावधान होना चाहिए था गणेश महाराज। इतना सावधान रहने पर भी मैं अकारण कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ ही जाता हूँ। सोचता हूँ जो प्राणी असावधान रहते हैं उनकी क्या गति होती होगी। गणपति महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय पुत्र गणेश शीघ्र ही कैलाश पर चले। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गजानन तुरंत कैलाश आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता शिव और माता पार्वती ने आपको तुरंत बुलाया है स्वामी। माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा स्वामी। स्वामी, क्या हम भी आपके साथ कैलाश चलें? खराब ही नहीं, हम अकेले ही वहाँ जाएंगे। ऐसा लगता है कि संकट में फंसे ब्रह्मा जी ने ही पिता शिव को हमें बुलाने में विवश किया है।